आप सुन रहे हैं खूनी किस्सा सीजन 1 शैलेश के साथ। भादो का महीना था, काली अंधियारी रात, कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंच जाती। रमेशर काका अपने घर से दूर घोठे पर मड़ई में लेटे हुए थे। रमेशर काका का घोठा गांव से थोड़ा दूर एक गढ़ई तालाब के किनारे था। गढ़ई बहुत बड़ी नहीं थी पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उगाते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इस गढ़ई के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे, दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों की डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेशर काका की मड़ई में बंधी भैंसों को भी डरा रही थी और भैंस डरी सहनी हुई रमेशर काका की बस खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेशर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे पर भैंस अपनी जगह से बिना टसमस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही। रमेशर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेशर काका से सट कर खड़ी हो गई। रमेशर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए भैंस बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के पास रखे धुआरे पर थोड़ा घास फूस रख कर मुंह से फूकने लगे। रमेशर काका फूक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेशर काका की नज़र उनकी बसखटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बसखटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेशर काका डरने वालों में से तो नहीं थे पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआर रख कर पूरा अजोर प्रकाश कर दिया। अब उस पुआर के अजोरे में वह महिला साफ साफ नजर आ रही थी। अब रमेशर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेशर काका ने धुआरे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाँक लगाकर पूछा, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही मड़ई के बाहर ही। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेशर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है क्योंकि अगर डर गया तो मर गया। रमेशर काका अब तन कर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था
वे फिर से बोल पड़े, कौन है तू? कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूं? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेश्वर काका भी हा हा करने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रमेश्वर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेश्वर काका के माथे पर एक पसीने की लहर दौड़ गई। रमेश्वर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी। बताती हूं मैं तुझे, तू डरता नहीं है, तू डरता नहीं है ना? बताती हूं मैं तुझे। रमेश्वर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू, क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेश्वर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बिता है इस वाड़ी में, यह मेरा घर है, मेरा, मैं बरसों से यही रहती आ रही हूं। पर पहले तो किसी ने नहीं भगाया, यहां तक कि भैया कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां तक कि पिताजी ने भी नहीं। अब पता नहीं क्यों रमेश्वर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रमेश्वर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे थे कि यह कौन है, और अगर यह पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओह, तो यह बलेसर बहिन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौन था? नहीं नहीं, बलेसरा बहिन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए हैं। अब रमेश्वर काका अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12-14 साल की थी और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोथार करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ही पर, इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे ओलापाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाल से उस डाल पर उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़ चढ़ के लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाल पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चों को थकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसके प्राण निकल चुके थे। रमेश्वर काका अभी यही सब सोच रहे थे कि तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रमेश्वर काका को पूरा यकीन हो गया था कि बलेसरा बहन ही है। रमेश्वर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। दौड़कर खाट के पास गए और बलेसर बहन को अखबार में पकड़ कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा था। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेश्वर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेश्वर काका एक महिला को अखबार में पकड़ कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलेसरा ही थी जो बहुत समय पहले
भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गढ़ही पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्चे समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि रमेश्वर काका बलेसरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्रित देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, रमेश्वर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हाँ यह सच है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मैं इस गढ़ही पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस गढ़ही पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओला पाती खेले तो उसे किसी भूत का कोप भाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओला पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलेसरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बलेसरा ने क्या क्या बताया इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने बलेसरा को धक्का दे दिया था? इन भूत प्रेतों की दुनिया कैसी है यह सब जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का इंतज़ार करें। मिलते हैं अगली कड़ी में। आप सुन रहे हैं खूनी किस्सा शैलेश के साथ।